चलता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। सिरसागंज विधानसभा के बसपा प्रत्याशी पंकज मिश्रा ने बुधवार को बारिश में सिरसागंज बाजार में पैदल ही भ्रमण कर जगह जगह वोट मांगे। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया। वहीं उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि मेरे जीतने के 101 दिन बाद कोई भी गौवंश आवारा घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, किसी किसान के खेत का नुकसान नहीं करेगा, तथा आगे कहा कि क्षेत्र में 1001 गौवंश की क्षमता के अनुरूप गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा तथा गरीब कन्याओं की शादी के लिए कन्यादान किया जाएगा। गौवंश भूखा व किसानों के खेत में घूमता हुआ नहीं मिलेगा, उनके रहने के लिए गौशाला में व्यवस्थाएं होंगी। जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और चुनाव तो मैं नहीं लड़ा, जनता लड़ रही है, चेहरा साफ मिल रहा है। आप जीतने के बाद क्या साथ रहेगा आपका? जीतने के बाद जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इस समय गाय और नंदी बाबा से किसान बहुत परेशान है। मैं जाता हूँ तो रात को बेचारे टॉर्च और कम्बल लिए मिलते हैं खेतों में पड़े हुए। 101 दिन के अंदर विधानसभा क्षेत्र से गाय और नंदी बाबा की समस्या खत्म कर दी जाएगी। जो भी भाई अपने गाय अपने घर पे गाय पालना चाहता है, जो जिनका कोई खरीदोरी नहीं है, उसको 60 रुपये प्रति गाय के हिसाब से मैं दिलवाऊंगा। कम से कम 25 गाय होनी चाहिए और 1000 सिटी की गौशाला 101 दिन के अंदर निर्माण कर सकती। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।